हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं क्रिएटिव माही यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं छोले आलू का चटपटा झटपट बनने वाला पुलाव। और उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में जो है ये साबुत सारे गरम मसाले हैं। गरम मसाले मैं आपको बता दूंगी, नीचे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको कमेंट में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये 2 अदद प्याज हैं, 4 अदद टमाटर्स हैं और हाफ जो मैंने लेमन लिया है। उसके अलावा 4 मैंने हरी मिर्चें हैं और मैंने कुछ हरी मिर्चें जो है पीस की भी डाली हैं, वो तकरीबन 10 हैं। उसके अलावा ये सारा गरम मसाला है पिसा हुआ और अदरक लहसुन का पेस्ट है, साबुत गरम मसाला है। और अब हम आगे चलते हैं। फिर प्याज डाल दिए, इसमें 2 लाल मिर्चें हैं साबुत और सारे गरम मसाले हैं, वो नीचे इंग्रेडिएंट्स में आपको बता दूंगी, ठीक है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, 2 अदद प्याज हैं। प्याज को जो है मैं हाफ जो है फ्राई में निकाल लूंगी और हाफ जो है इसी में हम रहने देंगे। हाफ अच्छे से फ्राई प्याज जो है एंड में मैं दम में ऐड करूंगी, ठीक है। इसके अलावा साबुत किसी भी हरी मिर्चें हैं और लाल मिर्चें मैंने 1.5 चम्मच लिए। 1 किलो हम बना रहे हैं, अगर आप कम और ज़्यादा खाते हैं तो उसके हिसाब से अपनी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। दो बॉईल आलू लिए जो मैं अभी मसाले में ऐड कर दूंगी। मैंने बॉईल इसलिए कर लिया क्योंकि आलू जो है वो बॉईल करके डालने तो वो सही रहता है, क्योंकि बिरयानी में फिर पुलाव का जायका नहीं आता। पुलाव में अगर हम ऑयल डायरेक्ट आलू उसमें ऐसे ही ऐड कर देते हैं, तो इसमें बॉईल करके ही आप भी आलू बॉईल करके ही डालिएगा। हाफ प्याज जो है मैंने इसमें से अलग कर दिया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये 4 अदद टमाटर हैं जो मैंने कट करके रख लिए थे, अब वो भी हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तब तक जब तक टमाटर जो है थोड़ा फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये मैं इसका कवर हटा के देख लेती हूँ कि टमाटर जो है वो हो गए नहीं हुए। अब इसमें हम ये सारा जो गरम मसाला मैंने पीस के रखा है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस गरम मसाले में मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो है सौंफ है, धनिया है, ठीक है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और जायफल जावित्री है। बस ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं जो मैंने इसके अंदर पीस के डाली हैं। और 1 चम्मच मैंने अभी इसमें नमक ऐड किया है। अब हम इसमें बॉयल आलू ऐड कर रहे हैं। दो अदद हमने इसमें बॉयल आलू ऐड किए हैं। आलू मैंने इसलिए ऐड कर दिए हैं ताकि इसमें अच्छे से मसाला जो है बिल्कुल मसाले का टेस्ट आ जाए, ठीक है। अब इसमें मैं हाफ हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ जो मैंने पीस के रखी है, पेस्ट है हरी मिर्चों का। बाकी की हरी मिर्चें मैं एंड में डालूंगी, ठीक है। और उसके अलावा हम इसमें दही ऐड करेंगे,
और फिर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ये मैंने इसमें एक चम्मच, बहुत बड़ा जो चम्मच होता है उसको मैंने अच्छे से भर के जो है मैंने इसमें डाल दिया है। आप लगाने हाफ प्याली जो है या दो चम्मच, दो बड़े चम्मच आप थाई इसमें ऐड कर दें। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप हद से ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। मैं इसमें अभी फिलहाल 3 प्याले पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 1 किलो चावल ले रही हूँ, उसके हिसाब से 3 से 4 प्याले पानी ऐड होता है। 3 इंच जो है चावल से ऊपर आना चाहिए पानी, बस इतना हम पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी में बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम जो है इसमें चावल ऐड कर देंगे। बॉयल आ गया है, अब इसमें हम चावल ऐड कर रहे हैं। इसमें मैं सारे चावल ऐड कर दूंगी, उसके बाद हम चावल ऐड करने के बाद जो है इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे साबुत, और जब पानी बिल्कुल खुश्क होने लगेगा तो इसके अंदर हम पिसी हुई हरी मिर्ची और अपने बॉयल छोले इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, बॉयल छोले में इसलिए एंड में ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़े नरम हो जाते हैं, तो इसको आप एंड में ऐड करें तो वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बिल्कुल साबुत रहेंगे, तो इसलिए हम इसको एंड में ऐड करेंगे। हरी मिर्ची और छोले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखें हमारा पानी बिल्कुल खुश्क होने लग गया है, इसमें मैंने हरी मिर्ची और छोले ऐड कर दिए हैं। अब उसके बाद जो है बस इसको बिल्कुल पानी खुश हो जाएगा तो इसमें मैं धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद एंड में हम जो हमने प्याज हाफ फ्राई करके रखी थी वो ऊपर से ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे और ये हमारा गरम गरम पुलाव जल्दी से तैयार हो जाएगा। कम से कम भी आप बस 5 से 10 मिनट आप अपने चावलों के हिसाब से इसको दम पे रखें। मेरे चावल जो है वो बनस्पति हैं, तो इसलिए जो है मैं इसको बस 5 मिनट दम पे रखूँगी, उसके बाद ये हम इसको सर्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। धनिया पुदीना और प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए, जो प्याज हमने हाफ फ्राई रखी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड करी है अभी, और अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। 5 मिनट हम इसका दम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बनस्पति चावल है तो ये ज़्यादा देर तक हम इसको दम पे नहीं रखेंगे। फिर 5 से 15 मिनट आप 5 से 10 मिनट आप इसको रख लें, ठीक है, और फिर आप इसको खोल के हम चेक कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे ज़बरदस्त से दम हो गया है हमारा। चावल जो है बिल्कुल अलग अलग है, एक एक दाना दाना अलग अलग है, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे नेक्स्ट कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।